हम लोग अनपेड ज्ञान बांटते हैं तो पेड़ ज्ञान वालों को तो तकलीफ होगी तो आप उसको तोलना चाहिए कि तीन सौ नन्यानवे खुश हैं ये कंप्लेंट आया तो आपको किसको नज़रअंदाज करना चाहिए वो आप बेहतर जानते हैं फाउंडर मेंबर हैं वो सारे हमेशा किसी ना किसी प्रोग्राम में दिखते हैं लेकिन फिरोज साहब कभी आपके किसी प्रोग्राम में नहीं मैं बता रहा हूँ फिरोज भाई जो है खास उनका एक अपना एक रुतबा है कम्युनिटी में वो भी एक सेकुलर रुतबा है उनका वो भी किसी पार्टी वार्टी से जुड़ते नहीं हैं मुझे जहाँ तक मालूम है पार्टी के साथ में कोई तलुक उनके पॉलिटिकल पार्टी से कोई इन्फ्लुएंस नहीं है वो सेकुलर हैं और कम्युनिटी के हिस्से में काम करते हैं हम हमारा भी एक ऑर्गेनाइजेशन था वो कम्युनिटी के हित पे कुछ काम करने हैं इसलिए जुड़े थे अब भी जुड़े हैं हमारे साथ ऐसा नहीं कि हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ये बात अलग है कि वो मेन स्ट्रीम में नहीं आते पहले से भी नहीं आते थे पहले दिन से नहीं आते थे आज भी नहीं आते और हम भी उनका मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करते नहीं हैं क्योंकि वो अपने काम में बहुत बिजी है और दूसरे बहुत सारे काम करते हैं आई ए को किसी इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं है मेरी भी जरूरत नहीं है ये कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए बना गया अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत दे दी आज मेरी या फिरोज अब्दुल्ला के रहने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा ना उनके जाने से कोई फ़र्क़ पड़ेगा मैं भी अगर चले जाऊँगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा तो बहरहाल मैं आपको ये इतमान से ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको आप इंडिविजुअल के आइडेंटिटी के साथ जोड़िए मत इसको आप एक कौम के लिए एक सोसाइटी के लिए एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस्टेब्लिश किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन करके समझिए और ये जो हर लोग हर किसी का जो टर्म है इसमें दो दो साल का टर्म है सबका मेरा भी दो साल का टर्म है फिरोज भाई का भी दो साल का टर्म है कल के दिन कोई और आएगा फरहान उदा साहब भी आप बैठेंगे आपका भी दो साल का टर्म है हमारा ट्रस्ट ट्रस्टडी दो साल का ही टाइम देता है उसके बाद में आपको इलेक्ट करना पड़ेगा ज़रूरी नहीं कि मैं ही हूँ या कोई फाउंडर है वहाँ पे बैठ जाए बैठ नहीं सकता यहाँ पे किसी का नहीं है तो इसमें लोगों का पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ना या पॉलिटिकल पार्टी को इस चैम्बर के साथ जोड़ना यह सब बेखुफी की बात है तो ये बताइए कि जो पहले कन, ये जो कन्फ्यूजन हुआ कि आप बीजेपी से जुड़े उसमें से कितने लोग लोग वापस आपके पास आए नहीं बहुत देखो पहली बात तो ये ये अजीब सा किस्सा है मैं तो सबको समझाता रहा कि आज की तारीख में प्रेम मिनिस्टर जो है मोदी है अब मोदी प्रेम मिनिस्टर है तो प्रेम मिनिस्टर मोदी के पास ही जाऊंगा मैं अब इंदिरा गांधी को तो ढूंढ के नहीं जा सकता वो तो है नहीं ना तो प्रेम मिनिस्टर मोदी हैं तो उनके साथ ही काम करना है तो अभी जब उनके साथ में मेरा डेलीगेशन का मौका मिला मैं आशियान समिट में उनके साथ था तो मेरी तस्वीर उनके साथ है ठीक है कुछ ऐसे ही बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं उनके साथ में जब काम करते हैं कॉमर्स मिनिस्टर है हमारे फिनंस मिनिस्टर है उनके साथ में हम लोग काम करते हैं तो कभी ना कहीं उनके साथ में तस्वीरें रहती हैं और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि भाई हमारा चैम्बर में कोई भी आदमी मिनिस्ट्री के साथ में ताल्लुक़ा रखता है तो जिसका फायदा हो सकता है कॉम को तो हम कोशिश करते हैं कि कौम का फायदा हो आज की तारीख में रूलिंग रूरी, रिजिम जो है बीजेपी की है कल के दिन कांग्रेस की आएगी तो हम उनके साथ जुड़े रहेंगे हमें कोई पार्टी लाइन का हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है ही नहीं इसमें और हम उससे नुकसान क्या है एक बात बताइए रूलिंग रिजिम के साथ अगर दोस्ती नहीं रखेंगे तो फिर किसके साथ दोस्ती रखेंगे आप अगर कर्नाटक में बैठे हो आपका चीफ मिनिस्टर के साथ में अगर आप रिश्ता नहीं रखोगे तो आपका काम कैसे बढ़ेगा आपका काम निकालना है आपके पॉलिसीज उनके आप उनके थ्रू थ्रू कनेक्टेड हैं आप अपने बेनिफिट्स लेते हैं तो उनके साथ में तो आपका लेन देन होना चाहिए अच्छी तरीके से उनके साथ में पोजिशनिंग होना चाहिए आपके चैम्बर का हमारा हालांकि आज तक इतना खास हुआ नहीं है इसके बावजूद ये जो पुटे पुटे क्या बोलते हैं ये पटाखे फोड़ रहे हैं ये बस अपने हिसाब से फोड़ रहे हैं उनकी अपनी फिर जो आपके इनिशियली दौर में लोग जुड़े थे क्या ये जो आप बता रहे हैं इस चीज़ को उनके सामने रखा नहीं कन्विंस नहीं कर पाया देखो ऐसा ये नहीं कह सकता कि मैं इनिशियल वक्त पे जितने लोग जुड़े थे सबको कन्विंस नहीं कर पाया एक आ, मजमा था एक तूफान जैसा आए इसी सिम में जुड़ गया अब जुड़ने के वक्त जो है उसमें कुछ एक्सट्रीम थाट प्रोसेस वाले भी थे लिबरल थाट प्रोसेस वाले भी थे जो बिजनेस को जानने वाले भी थे जो कौम की जो है फिक्रमंद इंसान कुछ लोग भी थे ये पूरा सारा मजमा ये आ गया उसमें बहुत सारे लॉबीज भी आ गए अब आते हैं तो मेरा तो नी... मेरा नजरिया ऐसा आता है कि मैं हर किसी को एकदम क्लीन स्लेट करके समझता हूँ दिल एकदम साफ है मैं ऐसे शक की नज़र से किसी को नहीं देखता तो मैं सबको ले लिया जबकि एक बार मुझे अच्छा याद है फिरोज भाई बोले थे भाई लोगों को फिल्टर करके रहो मेरा फिरोज भाई हमारा कॉम है हम फिल्टर करने जाएंगे तो फिर अपलिफ्ट कैसा करेंगे अपलिफ्ट करना है तो इसमें सारे तरीके के लोग आएंगे ऊंचे नीचे अच्छे अच्छे सोच वाले भी रहेंगे जो थोड़े एक्स्ट्रीमिस्ट सोच वाले रहेंगे सबको लेके आके एक प्लेटफॉर्म में रख के बोलना भैया आप इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के बारे में बात करो इस प्लेटफॉर्म में तो मेरा मकसद था तो मैं शया सुन्नी कोई भी सेक्स कोई भी पोलिटिकली uh, इन्फ्लुंसड हो या कोई एक्सट्रीमिस्ट हो किसी को भी मैंने फिल्ट्रेशन प्रोसेस में नहीं डाला सबको लिया तो इसमें कुछ लॉबी भी आ गया था तो एक लॉबी एक्सट्रीमिस्ट लॉबी था जब एक्सट्रीमिस्ट लॉबी आया तो उसको मैं कुछ भी करूँ वो समझेगा नहीं क्योंकि वो समझना नहीं चाहता जो लिबरल थे वो एक गए आज भी हमारे पास थर्टी प्लस मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं करीब थर्टी फोर है मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स जो काम करते हैं दो साल में इतना दो साल के अंदर जो शुरू हुआ हुआ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं जो इतना क्विकली रेज होकर इतना परफॉर्म कर गया अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आप बता दें एक और मैं मान लेता हूँ मैं एक चीज आपसे और पूछ लू कि रिसेंटली आपने जो बात किया कि आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग का एक इवेंट किया था जी शायद उस वक्त मैंने आपसे इंटरव्यू भी किया था तो ये इवेंट होने के बाद कुछ शिकायतें आई मैं हमारे पास ये करके कि इससे कुछ फायदा नहीं हुआ तो अब ये है कि और शायद वहाँ कुछ नाइन नाइन थाउजेंड रुपीज़ चार्ज भी किया गया था तो ये इवेंट कैसे काम करता है तो क्या कि आपने चार पाँच दिन की जो ट्रेनिंग फ्री दी थी उसने आपने फ्री दिया था उसके बाद तो जो लोग आपसे जुड़ते हैं क्या उनको डायरेक्ट क्लाइंट के साथ वो अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं ऐसा कुछ फॉर्मेट है क्या नहीं मैं आपको पहले बताता हूँ एक स्कूल में आप अगर बच्चों को अगर तालिबों को तालब इल्म को आप अगर ले आते हैं इल्म हासिल करने के लिए अगर बच्चे अगर आपके स्कूल में जुड़ते हैं सौ बच्चों में नंबर वन बच्चा भी रहता है हंड्रेड बच्चा भी रहता है तो एवरेज जो बच्चे होते हैं वो जो है उनकी कोई कंप्लेंट नहीं रहती अबो एवरेज तो खुश रहते हैं बिलो एवरेज तो शिकायत करेंगे ये स्कूल का एक छोटी सी क्लासरूम का ये स्टोरी है तो जो ट्रेनिंग क्लासरूम होता है जिसमें अगर समझो 400 सौ तलबा थे 400 सौ तलबा में अगर एक बंदा आके अगर कंप्लेंट किया तो तीन सौ निन्यानवे खुश थे तो आप उसको तोलना चाहिए कि तीन सौ खुश हैं एक कंप्लेंट आया तो आपको किसको नज़रअंदाज करना चाहिए वो आप बेहतर जानते हैं तो आप अगर वो शिकायत का अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप देखिए एक आज शिकायत तो आती है कि किसी को हंड्रेड परसेंट सेटिसफाई करना इम्पॉसिबल है दुनिया में नहीं उनका कंप्लेन लोगों का ऐसा है कि फ़ायदा कुछ होता नहीं है पैसा बना तो नहीं होता है तो आप अटेंड मत करिए हम तो फ्री में दे रहे हैं हम तो चार्ज नहीं किए अब जो बाद में अगर वो जो सेशन वो जो रन किए उनके भी ख़ुद के प्रोग्राम्स होते हैं वो अगर अपने प्रोग्राम्स को इन्वेट करते हैं तो आप मत जाइए आप पे क्यों करते हो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई चीज आपको अगर एक बस में नहीं चढ़ना है बस पसंद नहीं है टूटी फूटी बस है तो फिर चढ़ते क्यों फिर क्यों शिकायत करते हो चढ़ो ये, ये आप कहना जो चार दिन में फ्री कोर्स दिया था उस वक्त आपको समझ में नहीं आया तो आप पेड़ में नहीं जाते पेड़ में नहीं। जाते नहीं आपको अच्छा लगा गए हो आप फिर शिकायत करते हो तो आपकी मर्जी देखो ये तो शिकायतें आती है मैं अगर सब चीज़ अगर समझो एक साल का भी कोर्स फ्री में दे दूँ उसके बावजूद भी एक दस आदमी उठ के बोलेगा नहीं भाई हम लोग खुश नहीं है तो हम सबको तो खुश नहीं कर सकते अब बेहतरीन आज के बेंगलुरु में सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट में आप पचास लोगों को दावत दो उसमें से चार ऐसे निकलेंगे बोलेंगे खाना पसंद नहीं आया क्या कर सकते तो ये बताइए कि आप अब जो आपने आई का आगे का अगला तीन साल का के दो साल हो गए पूरे पाँच साल का कुछ गोल है आपने बनाए क्या देखते हैं उसको पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम ये इदारा बनाए थे तो हमारी सोच ये थी कि हम कौम के एक परसेंट लोगों तक टच करें मतलब एक परसेंट मतलब बीस करोड़ का एक परसेंट बीस लाख होता है बहुत बड़ा माइल है आसान नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई कोई कौम का प्रजेंस किसी भी मुल्क में हो उसका अगर एक परसेंट इकोनॉमिक अप्लिमेंट में अगर कंट्रीब्यूट नहीं करता हो तो उसको नज़रअंदाज कर देंगे गवर्नमेंट हो या उसके पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या इवन सोशली यू विल बी बायकॉटेड इजीली बिकॉज यू विल बी इग्नोर इजीली आज बायकॉट की बात कर रहे हैं हमको इग्नोर भी ईजीली कर दिए वो लोग तो इसका यही है कि हम एक अपने लोगों को सामने लेके आके हम जोड़ के अपने गवर्नमेंट के सामने हो या अपने दूसरे नॉन इस्लामिक नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हों उनके सामने हम पेश करें कि हम भी हिंदुस्तान के तरक्की में हाथ बढ़ा रहे हैं और हमारा भी एक मकसद है कि हम साथ दें तो ये हमारा मकसद है तो अगले तीन साल में इंशाल्लाह इसी पर हमारा काम रहेगा आज पाँच आज पा, आज जो है पाँच हज़ार के मेंबर के आसपास हम पहुंचे हैं ये जो नंबर है इन मुझे लग रहा है कि और बढ़ जाएगी एक दो साल में तो करीब करीब कुछ एक दो लाख भी अगर हम टच करेंगे तो इतमान से एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल चैम्बर बन के उभर आएगा तो ये बताइए कि शुरुआती दौर में आपने ये कहा कि बिना कुछ लागत के आपने इसको शुरू किया था तो अभी जो फ़ंड आता है तो इसको कैसे आप मैनेज करते हैं? पहली बात तो ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जी कि बहुत लोगों ने सवाल किया बहुत लोगों ने मुझे डिस्करेज भी किया ये मेरी खुद की एक्सपीरियंस की जो है एक फिनैंशियल एक्सपर्ट की एक चैलेंजिंग टास्क था कि मैं प्रूफ करूं कि ऑर्गेनाइजेशन जीरो फंडिंग में भी स्टार्ट किया जा सकता है hmm. ये खुद ही एक स्टार्टअप है जिसमें पैसा नहीं लगा लेकिन रिसोर्स लगा मुझे बहुत लोगों ने बहुत स्कॉलर्स भी जो है ये कनाडा के स्कॉलर थे वो मुझसे बहुत बहस किए कि भाई आप स्टार्ट मत करिए जब तक आपके पास दो करोड़ ना हो hmm. मैंने बोला नहीं आई कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड वेयर वी थिंक बियॉन्ड दिस मनी एज ए मेन सोर्स बिकॉज मनी इज द मेन नॉट द मेन फैक्टर अकॉर्डिंग टू मी एन यू स्टार्ट ए बिजनेस मनी इज रिक्वायर्ड बट इट इज नॉट द मेन फैक्टर बहुत लोग करोड़ों रुपये लेके भी बिजनेस करके खत्म कर देते हैं रोड पे आ जाते हैं कुछ लोग छोटे से पैसे लेके करोड़ों का कारोबार करते हैं तो मैं मेरा पूरा बीस साल के एक्सपीरियंस में जो मैं सीखा था उसका जो असल जो रिजल्ट था मैं उसके उसके अंदर मेहनत किया और मैं कोशिश किया कि भाई रिसोर्सेज को ले आऊँ पैसों को इग्नोर करूँ तो पैसों के ऊपर मेरा तवज्जो नहीं था रिसोर्स का ऊपर फोकस था तो अलहमदिल्ला रिसोर्स हमारे खौब में इतनी बड़ी है कि हम एक एक करके अगर उठाए जाएँ कि हमारा आई एक्सपर्ट हो फिनेस एक्सपर्ट हो हमारे एच एक्सपर्ट हो हमारे टैक्स एक्सपर्ट हो सारे लोग जो है वॉलेंटियरली हमारे साथ जुड़ गए तो इसका एक फ़ायदा हुआ कि जो रिसोर्सेज़ को हमको सैलरी देना है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है हाँ ये बात अलग है कि उसका कमिटमेंट लेवल थोड़ा बिलो रहता है बिलो एवरेज रहता है और हमारे जो लूज़ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को संभालना इतना आसान काम भी नहीं है जहाँ पे 25 साल के यंगस्टर से लेकर आपको पचहत्तर लाल पचहत्तर साल के एक सीजनड रिटायर्ड आदमी भी बैठा रहता है जो पूरे तजुर्बा लेकर बैठा रहता है इन सबको लेकर चलाना है तो इसमें जो है मेरी एक्सपीरियंस जो है बीस साल की जो कारपोरेट में थी वो काम आई तो उसके वजह से जो है अलहमद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी आज हम लाखों करोड़ों का काम कर पाए ये रिसोर्स को मैनेज करना एक आर्ट है जो अलहमद हमारे कौम में इसकी इस स्किल की कमी है जो मैंने सीखा था मैं उस आर्ट का इस्तेमाल किया आज रिसोर्स को मैनेज किया आज अलहमदिल्ला आप जितने भी रिसोर्सेज मेरे साथ कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उनका मैन आर आप कैलकुलेट करते हैं महीना महीना तो करोड़ों में जाता है तो ये सारा जो मैन आर देते हैं ये फ्री देते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो ये बताइए कि कुछ जो कोविड के टाइम में कुछ ऑक्सीजन के लिए आप लोगों को फंड भी आया था तो उसको कैसे मैनेज किया आप लोगों अच्छा पहली बात तो क्या हमारा एक ये ट्रस्ट जो है प्राइवेट ट्रस्ट है हम जो नॉर्थ एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होते हैं Hmm. तो उसके हिसाब से हमको वी हैव टू बी कम्प्लाइंड विद द लॉ लोकल लॉ वी आर अकाउंटेबल फ्रॉम द इनकम टैक्स वी आर अकाउंटेबल फ्रॉम द अथॉरिटीज सो देयर वी हैव टू मैनेज आवर बुक्स दैट वी आर डूइंग डूंगफेक्टली फॉर एग्जाम्पल समझो कि आप कोई चीज को अगर uh, डोनेशन करके लेते हो hmm. उसका इस्तेमाल होने का भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं hmm. तो ऑक्सीजन का जब हमने डिस्ट्रीब्यूशन uh, का ये इनिशिएटिव लिया था तो हमको डोनेशन में पैसा मिला था तो आप समझो कि आप यिन खाने को या किसी चीज़ को आप दान करते हो तो आप उस उस दुकान में जाके अकाउंट तो नहीं पूछोगे लेकिन फिर भी हम लोग जो है उस चीज़ को इकट्ठा किए और सही तरी, तरीके से उसका जो है स्ट्रक्चर किए हाँ टाइम पे नहीं हो रहा था क्योंकि लोगों के लिए नया तजुर्बा था ये सब चीज़ें जितने भी लोग थे प्रोफेशनल नहीं थे ये लोग जुड़ के कर दिए ऑक्सीजन ये जो ऑक्सीजन का जो सिचुएशन आया है या कि कोई प्लान स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं था हमारे लिए एक डिमांड था कम्युनिटी के लिए तो हम लोग उस पर उतर गए कि भाई हम भी सर्व करेंगे कम्युनिटी को तो जो भी पैसे आए उसका जितना मतलब आ, हम लोगों को कलेक्ट हुआ उससे हम लोगों ने चार गुना पाँच गुना उसको टर्न अराउंड किया तो उसका बहुत फायदा हुआ मतलब हम अगर सोचे तो करीब करीब हमारे पास उसके फायदेमंद जो हैं जो ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए थे हम चार पाँच लाख रुपया कुछ कल, कलेक्शन में हमारे आए थे कैश जो सॉरी कैश नहीं जो भी पैसे हमारे डोनेशन में आए थे ये पाँच छः लाख

आप नहीं पूछेंगे तो इनकम टैक्स ऑफिशियल पूछेगा अथॉरिटीज पूछेंगे तो उनके लिए तो हम रखते ही हैं सब चीज़ें ये बात अलग है कि महीना महीना नहीं करते हो क्वार्टरली करते हो भी ईयरली करते हो बहुत सारे लोग हैं साल के एक साथ रिकन्सल करते हैं हम लोग भी डिफर किए थे बहुत सारे चीज़ों को क्योंकि हमारे पास इनिशियली रिसोर्सों की कमी थी हम लोग बिजी थे बहुत सारी चीजों में लेकिन आखिर में जब हम लोग रिकन्सल किए तो माशाल्लाह सब चीज़ परफेक्ट हो गया हम लोग फाइल भी करते हैं तो ये बताइए कि ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए क्योंकि चलाने के लिए कुछ तो पैसा खर्चा होता है एक दो एडमिन का बंदा है ये वो काम करते हैं तो क्या आप लोगों को मेंबर बनाने के लिए कुछ पैसा लेते हैं हाँ हमारा जो प्रोग्राम है ये मेम्बरशिप बेसिस पे ही है लेकिन हम इस पर ज़्यादा तोज्जो नहीं दिए पहले एक डेढ़ साल क्योंकि हम लोगों के पास इतनी कैपेसिटी थी कि हम लोग खुद ही इन्फ्लुन्स करके बहुत सारे लोगों को लेके आए प्लेटफॉर्म में और उनसे काम निकलवा लिए तो पैसों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी हमको आगे चल के पड़ेगी अगर एक्सपैंड करेंगे तो हमको रिसोर्सेज रिक्रूट करने की भी जरूरत पड़ेगी तो इनशाला अभी जो है हम लोग मेंबरशिप ड्राइव पे फोकस करेंगे हो सकता है कि हमको कुछ अच्छी तरीके से फाइनेंशियल रिसोर्स मिल जाए तो हम लोग जो है हायर करेंगे इन को और मैनेज करेंगे इन नहीं तो अभी कोई आके मेंबर बनता है क्योंकि आपके पास पांच हजार है, हाँ, कोई लोग हाँ बनते हैं।, हैं।, हैं बहुत सारे लोग मेंबर बनते हैं तो उसके लिए चार्ज करते हैं दो हजार से लेकर हमारा पैकेज है पंद्रह हजार तक तो उसमें जो है टर्नओवर के ऊपर है कि okay. जो गरीब है कुछ बहुत सारे तो फ्री मेंबरशिप है हुँ. हम लोग सोचते हैं कि भाई के पास जो है कम से कम पैसा ले रही है देने के लिए फ्री में लेते हैं और बहुत सारे लोगों को जो है हम वापस में जो हमको हम सर्विसेज देते हैं वो भी फ्री में देते हैं चार्जेस नहीं लेते फिर उनके पास जो कलेक्शन होता है उसका भी जो है उनको बहुत फ़ायदा पहुँचाते हैं और हमारे पास अभी डेटा भी बहुत है हम उससे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेंबर्स हमारे बने हुए हैं उन लोगों को और ज़्यादा नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी मिले उनको स्पेशल एक पोर्टल बनाया जा रहा है हमारा डेवलपमेंट स्टेज में है उस पोर्टल को हम उनको इस्तेमाल में लाएंगे सारे येलो पेजेस की तरह सारे बिजनेस हाउसेस के उनके उनके डिटेल्स पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट में और उनके साथ में जब प्रोग्राम्स हम करेंगे तो उनको स्पेशल डिस्काउंट में हम उनको इन्वाइट करेंगे इनशाला ये बताइए कि मेंबर बनने का एक टाइम में पे करना पड़ता है कि हर साल में हर साल पे करना पड़ता है एक साल।, साल का ये नॉर्मल स्टैंडर्ड है का ये फी है ये फी कैसा होता है देखो आप अगर समझो कोई चीज अगर एक साल की सर्विस के लिए फी पड़ दिया अब अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप वापस रिन्यू नहीं करेंगे पसंद आ गया तो ही रिन्यू करेंगे आपको उसका वैल्यू फॉर मनी आपको देखना चाहिए वैल्यू फॉर मनी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप नहीं आएंगे और ऐसे हमारे यहाँ पे जो चेम्बर्स के बिजनेस मॉडल्स हैं वर्ल्ड वाइड उसमें कभी 50 परसेंट एडमिशन होता है क्योंकि बहुत लोगों को उसमें फायदा नहीं होता है क्योंकि डायरेक्टली कोई टैंजेबल परफॉर्मेंस नहीं दिखता है, उनको। वो अगर स्मार्ट है तो उसका फायदा उठा लेते हैं जो लोगों को नहीं आता है वो समझ में नहीं आता है क्या करें वो अपने आप निकल के चले जाते हैं तो ये रोटेशन होता रहेगा तो ये बताइए कि मेंबर बन गया तो कितने इवेंट करते हैं कितना कनेक्ट करते हैं क्योंकि उस बंदे को एक साल के अंदर क्या क्या फीस आपसे मेंबरशिप लिया है तो कितने ऐसे इवेंट करते हैं जहाँ गेट टुगेदर हो लोग मिले जिसको उसको फ़ायदा नज़र आए देखो पिछले दो दो साल के अभी दो साल तो खत्म नहीं हुआ जुलाई में होगा हमारा लॉन्च जुलाई में हुआ था मई में इनफैक्ट रजिस्ट्रेशन हुआ लेकिन जुलाई में लॉन्च हुआ जुलाई दो को दो साल होगा लेकिन इस इस दौरान हमने करीब तीस इवेंट किए तीस इवेंट अब थी सीवन में बहुत लोगों को कुछ लोगों को ट्रेनिंग से फ़ायदा हुआ कुछ लोगों को नेटवर्किंग से फ़ायदा हुआ कुछ लोगों को डेटा से फ़ायदा हुआ कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही बहुत सारा बिजनेस को प्रमोट किया बहुत सारे खरीदी फरोख्ती आज भी चलती है उसका फ़ायदा हुआ कुछ लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिला कोई इंटरनेशनली एक्सपेंड कर गया कुछ छोटे छोटे शख्स जो है उनको कुछ आता नहीं था छोटे पैकेट्स में अपने घर का जो है फूड सर्व करते थे आज वो एक पैकेज करके अपने फूड को सर्व करते हैं हमारे आई से बने हुए कोई गोश ना मछली वगैरह बेचकर भी लाखों रुपया कमा लेता है कोई रियल स्टेट के बड़े बड़े बिजनेस डील्स करते हैं तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं तो बहुत लोग अपने तरीके से उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो ये बताइए कि तीस इवेंट में ऑन ग्राउंड इवेंट कितना हुआ एंड वर्चुअल कितने थे उसमें ऑन ग्राउंड हो गया दो तो हमारा ऑन ग्राउंड क्योंकि हमारा कोरोना का था इस वक्त तो इसके बावजूद भी हमने दो बड़े इवेंट किए जे डब्ल्यू में और ताज में वरना हमारे जो दूसरे सारे इवेंट्स थे वो वर्चुअल थे Okay. और उसमें जो है बहुत सारे कोर्सेज थे लॉन्ग इवेंट्स थे चार कोर्स था तीन सेशन था चार सेशन था ऐसे भी थे तो इंडिया में ये कहाँ कहाँ स्प्रेड है और इंटर, इंटरनेशनल मार्केट में आप लोग कहीं ऑफिस बनाए हैं क्या नहीं अभी देखो हमारा खुद का करके एक मेन ऑफिस करके आज हमारा हेडक्वार्टर भी नहीं है हुँ. हम लोग जो है हमारे वॉल्टियर्स uh, के जो ऑफिस है उसी का इस्तेमाल करते हैं तो आज की तारीख़ में हमारे पहले जो ऑफिस थी ऊपर स्टीच सॉरी फिरोज स्टेट में थी खनिगम uh, रोड में अब जो है बनरगढ़ा रोड में है तो हमारे uh, जो साथी हैं एक uh, एक वॉल्टियर है उन्होंने ऑफिस दिया है तो ये जो है ऑफ़िस जो है कहीं पर भी आप मूव कर सकते हैं तो हमारे लिए जो है ऑफ़िस इतनी ज़रूरी रिक्वायरमेंट uh, नहीं है आज की तारीख में ऑफ़िस होना है लेकिन एकदम उसके ऊपर फोकस नहीं है क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत सारे चीजें जो है ऑनलाइन हो चुकी है तो हम ऑनलाइन का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से आप देखा जाए तो हमारे कम से कम चौदह पंद्रह मुल्क में है और इंडिया में अगर देखा जाए तो राउर किला से लेकर कन्याकुमारी तक आपको मिल जाएंगे तो बाहर के कुछ मेंबर बने हैं बहुत सारे मेंबर्स बने हैं बाहर से बहुत सारे लोग जो है अपने प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम जब चलते हैं तो कनाडा से लेकर कुवैत से लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो दो साल में कितने हैप्पी मेंबर्स हैं एक मैं अगर अपना टेस्टिमोनी आपने तो मेरा एक कंप्लेंट uh, का टेस्टिमोनी शेयर किया था मैं अगर आपको पॉजिटिव टेस्टिमोनी शेयर करूँ तो थाउजेंड विस वन रहेगा आपका ओके नाइन नाइनटी नाइन आपको पॉजिटिव टेस्टिनी मिलेंगे आखिर में एक क्वेश्चन पूछा आपने कहा कि दो आपने बड़े इवेंट किए थे तो आप जब इवेंट करते हैं फाइव स्टार होटल में आप इवेंट करते हैं तो वहाँ खर्चा तो अच्छा खासा लगता है तो इसको आप मैनेज कैसे किए सी कोई भी आदमी जो मेम्बर बनता है हमारे यहाँ तो मेंबर बनता है समझो फीस दे दिया दो हजार या पांच हजार अब पांच हजार पूरे साल के लिए दिया जितने भी इवेंट्स होते हैं पांच हजार रुपया देने के बाद उस सारे इवेंट्स में या तो उसको फ्री में देते हैं या उसको डिस्काउंट फिर देते हैं समझो जेडब्ल्यू मेरिट में आपको अगर ऐसे समझो एक इंटरनेशनल इवेंट में अटेंड करना है तो आपका पांच रुपया खर्च आएगा हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई आप हजार रुपया दे दो आप सात रुपया दे दो क्योंकि आपको चार हजार का जो गैप है वो हम उनसे वसूलेंगे नहीं वो उनको हम एज ए फी भी दे देंगे एड ऑन क्योंकि वो मेंबर है हमारे और जो पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं नॉन मेंबर्स उनको भी हम डिस्काउंट फी रखते हैं अभी जो गैप है खर्च तो आता है खाली प्लेट का खर्चा आ जाता है दो ढाई हज़ार तो उसके ऊपर दूसरे खर्च आते हैं गेस्ट का खर्च होता है डिज़ाइनिंग का लाइट्स का आ, सारे जो स्टेज का सब खर्चा आता है वीडियो का मीडिया का सब रहता है खर्चा इस सब के बावजूद हम उनसे दो ढाई हज़ार का अगर प्रोग्राम होता है सॉरी दो हज़ार ढाई हजार का प्लेट का खर्च आता है पूरे प्रोग्राम का पाँच हजार का कॉस्ट आता है तो हम उनसे हज़ार बारह सौ पंद्रह सौ ऐसा फीस खरीज करते हैं जो बचा हुआ फीस है वो हम स्पॉन्सर्स के थ्रू रेस करते हैं और स्पॉन्सर्स के लिए बहुत बड़ा फायदा है कि जब स्पॉन्सरशिप कोई कराता है तो उसको जो है समझो कि फॉर एग्जाम्पल हमने प्रेसिडेंसी का एक स्पॉन्सरशिप लिया था और बहुत सारे लोग इस स्पॉन्सरशिप में पार्टिसिपेट किए प्रेसिडेंसी के बाद अपने शाइन ग्रुप थे और हमारे बहुत सारे छोटे बिजनेस हाउसेस भी थे इकरा स्कूल था ऐसे बहुत सारे लोग थे जो स्पॉन्सर्स बन के हमारे इवेंट को स्पॉन्सर किया था जब वो स्पॉन्सर करते हैं तो हम उनको तीन तरीके का बेनिफिट पहुंचाते हैं मिनिमम ये मिनिमम तीन तरीके का पहले तो उनका ब्रांडिंग करते हैं इंटरनेशनल तो पूरे जितने भी हमारे कनेक्ट्स हैं करीब बीस हज़ार के ऊपर हमारे कनेक्ट्स हैं बिजनेस कनेक्ट्स अब उन सारे कनेक्ट्स में इनका पब्लिसिटी होता है हमारे मीडिया के थ्रू होता है हमारे खुद के सोशल मीडिया के थ्रू होता है व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू होता है और अपने दूसरे जो सोर्सेस हैं उनके थ्रू भी हम उनकी पब्लिसिटी करते हैं तो एक ब्रांड रिकॉल होता है इस ब्रांड रिकॉल के लिए लोग लोहे लाखों करोड़ खर्च करते हैं हुँ. जो हम देते हैं एक छोटी सी स्पॉन्सरशिप फी लेके नंबर वन नंबर टू जो लोग कामयाब हैं उनको जो है हम प्लेटफॉर्म देते हैं अपने प्रोडक्ट को अपने आ, इसको अपने ऑपरेशंस को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अपने स्किल्स को प्रमोट करें प्लेटफॉर्म में तो उनको हम स्पेसिफिक स्लॉट देते हैं तो उस स्लॉट में वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर सकते हैं और ये भी पूरा लाइव टेलीकास्ट होता है सारी दुनिया में हज़ारों लोग देखते हैं तो इनका जो है ज़बरदस्त बिजनेस माइलेज मिलता है नंबर टू नंबर थ्री जो है वहाँ पर जो नेटवर्किंग होती है उसमें जो है उनको बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं उनके क्लाइंट्स मिल जाते हैं और उनके खुद के जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहां पे बैठे बैठे मुलाकात में ही कुछ डील भी साइन कर लेते हैं वो लोग जो पहले एक दूसरे को मिले नहीं रहते हमारा यहाँ हुआ है कि डील साइन हो गया तो ऐसा भी हो जाता है और ये जो फायदा होता है अब ये सब चीजों के लिए सारे बड़े बड़े बिजनेस चेम्बर्स जो हैं जब ये प्रमोट करते हैं तो लोगों की रेस लगी रहती है कि मैं स्पॉन्सर कर दूं, मैं स्पॉन्सर कर दूं, क्योंकि उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और इसमें एक और चीज़ है मैं भूल नहीं भूलना नहीं चाहता इसमें कि इनका जो पोजीशनिंग रहती है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो बिज़नेस हाउसेस रहते हैं उनके साथ में इनका मेल हो जाता है वहाँ पर क्योंकि दूसरे भी बिज़नेस हाउसेस के लोग आए हुए रहते हैं जो लाइक like माइंडेड रहते हैं और मिनिस्ट्री भी रहती है कभी कभी तो उनके साथ भी उनका मुलाकात हो जाता है तो उनके आगे चल के उसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाते हैं एवेन्यूज ओपन हो जाते हैं okay. तो आखिर में एक सवाल आपसे कि अभी जैसे आपने कहा कि दो साल में तकरीबन पाँच हज़ार मेंबर आपके पास हैं तो आने वाले तीन साल में क्या टारगेट है देखो अगर इस तरीके से अगर इन चलती जाए तो मुझे लग रहा है कि इस चैम्बर में करीब करीब कम 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 नंबर भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 25 से तीस हजार तो 25 से तीस हजार का टारगेट टारगेट वाले तीन साल थीन साल में हो जाएगी इनशाला पच्चीस तीस हजार क्योंकि क्या है ना अगर अगर हम एक परसेंट के अगर हम माइल अचीव करना है तो हमको हर पाँच साल में तिगना करना होगा दुगना नहीं तिगना करना होगा तिगना करेंगे तो ही होगा तीन टाइम एक बार अगर अचीव करेंगे तो समझो कि दस बारह साल में अचीव करें देखिए आपने जो कहा कि स्ट्रीमिक लोग आपसे अगेंस्ट में चले गए तो बहुत सारे लोग जो कोविड के टाइम में बहुत अच्छा अच्छा काम किए थे वो सारे लोग आपसे जुड़े हुए थे वो आपसे निकल के चले गए और आज भी आपके अगेंस्ट में क्या रीज़न तो पहली बात तो हमारे कौम की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है ये कमज़ोरी ये है कि कोई इदारे को हम कौम के बेहतरी के लिए उतारते हैं उसमें फ़ायदे से ज़्यादा की नज़र से किस तरीके से हम उसको बंद करें या उसको पुल करें उसमें कुछ लोगों की मेहनत लगी रहती है अभी चंद लोग जो हैं हमारे कौम में आ, उनका जो है रुतबा बहुत बेहतर है क्योंकि वो चैरिटी का काम करते हैं डोनेशन का, का काम करते हैं लोगों से पैसा लेते हैं और पैसा बांटते हैं आप मुझे दस करोड़ दो मेरे पीछे भी एक फ़ौज जा आ जाएगी अगर मैं बांटना शुरू कर दूंगा तो।, तो हमारा जो इदारा था आई ए इसमें पैसा नहीं था लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती थी बहुत मेहनत लगती थी अब कुछ लोगों को इनसे फ़ील हो गया कि भाई ख़ौम के पहरेदार तो हम हैं ये कहाँ से आ गए नए लोग तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये जब हम स्टार्ट किए थे आई इसका जो इनिशिएटिव था वो हम लोग उसी एक ग्रुप था एक ग्रुप का नाम भी मशहूर है गिफ्टिंग सुनना करके वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे आई एस सी का आइडिया वहाँ से आया तो उसमें से बहुत सारे लोग आ गए तो उसमें जो चैरिटी में इन्वॉल्व थे वो लोग भी आ गए अब उन लोगों को बिजनेस की जो चैम्बर की पहले तो उनको उसका मकसद क्या है वो मालूम नहीं था दूसरा जो है एक इनसे्योरिटी भी था कुछ लोगों में बहुत सारे इसिक्योर थे उसमें कि उनको लग रहा था कि भाई ऐसा इदारा ना बन जाए कि भाई इंटरनेशनली जैसे ये सोच रहे हैं तो जिसमें जो है कौम का इनशाला फ़ायदा तो होगा लेकिन उनका जो है मुकाम नहीं रहेगा क्योंकि ये इदारा इस तरीके से बनता जा रहा था कि भाई इसमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस्ट हो रही थी तो भाई ये बताइए कि जो बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं आज भी ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान देने का फायदा भी उठाते हैं तो क्या ऐसे लोगों को पेट में दर्द होने लगा जब आप ये चीज़ को शुरू किए नहीं खुद तो ये लाइमलाइट में रहना चाहते हैं पहली बात तो क्योंकि उनके दुकानें चलती हैं बहुत सारे लोगों की ऐसे सब कारोबार ऐसे सब चीज़ों में बहुत सारे लोगों की बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है कि Uh, तो उससे जो है बहुत लोगों का फ़ायदा भी होता है अच्छा है फ़ायदा होना चाहिए लेकिन आई uh, का मकसद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें एक किसी को भी चवनी का फ़ायदा नहीं होगा कोई किसी को पैसा देगा नहीं ये सब वॉलेंट्रियली काम करना पड़ेगा और इसके बावजूद ये इस सारे तकलीफें उठानी पड़ेगी तो बदनाम करने की कोशिश रहती है और हम अल्हम्दुलिल्लाह जब uh, क्या बोल रहे हैं बोलते हैं ना uh, नाद लाग बुरा चाहें जो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है तो अल्लाह का बड़ा करम है कि लोग कितना भी हमारे ऊपर बुरी नज़र रखें तो ये चीज़ जो है अल्लाह ताला बना रहा है अल्लाह ताला इसमें कामयाबी ला रहा है लोग पसंद नहीं है पसंद नहीं करते हैं कुछ लोगों के अंदर अगर मैं नहीं कहता कि उनके अंदर जलन है अगर जलन है तो उनको अल्लाह ताला हिदायत दे आ, आपके पास से ये लगता है कि देखिए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी एक तरह से ज्ञान ही बांट रही है फ्री में ज्ञान बांट रही है ठीक है तो जो लोग पेड़ हैं और ज्ञान बांटते हैं उनके पेट में दर्द तो हो रहा है देखो ज्ञान बांटने के दो तरीके हैं एक होता है पेड ज्ञान बांटना ये अनपेड ज्ञान बांटना हम लोग अनपेड ज्ञान बांटते हैं तो पेड ज्ञान वालों को तो तकलीफ होगी तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया